1. नरेश और आप देख रहे हैं। अजमेर जिले में आज शाम 5 बजे तक 50 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने, वहीं एक हजारीबाग निवासी मरीज की हुई मौत, डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने की पुष्टि। आज भी हमारे एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट ने दम तोड़ दिया। ये सज्जन हजारीबाग अजमेर के रहने वाले थे और करीब 25 तारीख को हमारे यहाँ भर्ती हुए थे। बीच में ठीक थे और हमने इनको वो इंजेक्शन था वो भी लगाया था और उसके बाद काफ़ी तबीयत ठीक हो गई, लेकिन दो दिन से तबीयत इनकी काफ़ी बिगड़ गई। वेंटिलेटर भी लगाया लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम इनको बचा नहीं पाए और आज ये शांत हो गए। इसके अलावा अभी भी हमारे पास 49 पेशेंट 49 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव वार्ड में भर्ती हैं। सस्पेक्ट वार्ड में करीब 18 पेशेंट भर्ती हैं। उन 49 में 49 में से एक पेशेंट वेंटिलेटर पे है, 6 पेशेंट बाईपैप पे हैं और करीब 10-12 मरीजों को हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। हमारा ऑब्जर्वेशन अब ये है कि अब जितने भी पेशेंट आ रहे हैं वो फैमिली की फैमिली पॉजिटिव आ रही है। पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ, कई लोग रूम आइसोलेट होने के लिए, मैं जो एक शब्द यूज़ करता हूँ रूम आइसोलेशन, लेकिन कई लोग इस शब्द को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं और वो घर में जाके मिक्स हो रहे हैं फैमिली से और उनकी पूरी फैमिली पॉजिटिव हो रही है। ये अच्छी बात नहीं है, बहुत ख़तरनाक बात है। इस बीमारी को मेहरबानी करके समझिए, इसकी इन्फेक्टिविटी को समझिए। ये बहुत ज़बरदस्त इन्फेक्टिव बीमारी है। जब अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि आप रूम आइसोलेट होइए, मतलब कमरे की देहरी नहीं लांगनी है आपको, अगर कोई खाना पकड़ाएगा तो वो भी दूर, वो आदमी खाना रख जाएगा, उसके बाद आप खाना उठाएंगे, ना कि उसके हाथ से आप खाना लेंगे। इतनी देर में भी इन्फेक्शन हो सकता है अगर आपने मास्क नहीं पहन रखा, उसने मास्क नहीं पहन रखा और आप इतनी देर से कि आपने थाली पकड़ी, इतनी देर में भी इन्फेक्शन हो सकता है, ये ध्यान रखिए। मेहरबानी करके हमेशा मास्क पहनिए, बिल्कुल कम से कम डिस्टेंस पर, कम से कम ड्यूरेशन के लिए आपस में कॉन्टैक्ट में आइए और मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करिए। इसके बगैर अपने पास कोई चारा नहीं है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, पहले शुरू में इटली के बारे में बड़ी खबरें थी कि जब इटली में संसाधनों की कमी पड़ गई थी, डॉक्टर्स चूज़ करते थे कि इनको किस पेशेंट को बचाना है किसको नहीं बचाना है। मुझे डर लग रहा है कि ऐसी स्थिति यहाँ ना हो जाए कि हमें ये चूज़ ना करना पड़े कि हमें किस पेशेंट को बचाना है किसको नहीं बचाना है। राजस्थान सरकार की मंशा है कि कोई भी जनहानि ना हो, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कितनी भी कोशिश हो, साधन हमेशा अनलिमिटेड नहीं हो सकते हैं, साधन हमेशा सीमित हैं और ऐसा ना हो कि उसके ऊपर जो स्ट्रेन आ जाए, इतना बर्डन आ जाए उन साधनों पे कि वो साधन कम पड़ जाएँ, छोटे पड़ जाएँ। हमारी सिर्फ बचाव ही हमारी उपचार है। बचाव हम अपने आप को बचा के रखेंगे तो ठीक रह पाएंगे, वरना दिन आने वाले शायद अच्छे ना हो, ऐसा ना करें। सर, आज कितने पॉजिटिव हैं अभी? हम जो ध्यान रखें, हमारे पास 3 पॉजिटिव पेशेंट नए भर्ती हुए हैं। लिस्ट जो आई है वो तो आपने भी देखी होगी, करीब करीब मेरे ख्याल से 50-60 आसपास पेशेंट पॉजिटिव अभी भी लिस्ट में है। अजमेर में CRPF समूह केंद्र प्रथम का आज 52वां स्थापना दिवस मनाया गया। CRPF स्थापना दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर पुष्पांजलि अर्पित की गई। CRPF विश्व का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है और इस स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम किए गए। आज GC1 अजमेर का 52वां जन्म शताब्दी स्थापना दिवस था। आज ही के दिन 1968 के अंदर ग्रुप सेक्टर की स्थापना हुई थी, इसलिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्थापना दिवस का प्रोग्राम किया गया। सबसे पहले शहीद स्मारक के अंदर हमारे शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई, उसके बाद में क्वार्टर गार्ड के अंदर सलामी गार्ड को नेक्स्ट दरबार दिया गया, जवानों को संबोधित किया गया और अभी 11 बजे से छोटा सा मेले का आयोजन किया गया जिसमें प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा और उनके परिवार के लोग, जवानों के परिवार के लोग इसमें आएंगे। शाम के टाइम पर खेल का आयोजन किया गया है और उसके बाद में बड़ा खाना होगा। सर, इसमें कौन कौन शामिल हैं? नहीं, आज ही के दिन जो GC1 के अंदर जो फंक्शन किया गया है उसके अंदर सभी ऑफिसर्स, अधीनस्थ अधिकारी, ये जवान इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इसके अलावा उनके परिवार वगैरह भी मेले के अंदर हिस्सा लेंगे।
त्योहारों के सीजन को देखते हुए अजमेर में रोडवेज प्रशासन ने कोरोना महामारी को लेकर सावधानी बढ़ा दी है। इसको लेकर रोडवेज के दोनों गेटों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग को लेकर मेडिकल स्टाफ लगाया है। साथ ही बुकिंग स्टैंड पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कलर पेंट के गोले बनाए गए हैं ताकि यात्री उसमें खड़े रहकर सामाजिक दूरी का पालन करें। अजमेरू आगार प्रबंधक अनिल पारिक ने बताया कि सभी बसों सहित स्टैंड को सैनिटाइज कराया जा रहा है ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो। हमने हर बुकिंग के सामने ऑफिसों के सामने सोशल डिस्टेंस के लिए गोले बना रखे हैं। यात्री जो भी हैं वो इन गोलों में खड़े हुए इंक्वायरी के सामने गोले बनाए हैं। यात्री जो भी इंक्वायरी करनी है गोले में खड़े होकर सोशल डिस्टेंस बना के यात्रा करें। प्रत्येक गाड़ी पूरा बस स्टैंड सारा हमने सैनिटाइज करा के बुकिंग क्लर्क को मास्क पहना के ग्लव्स दे के और लगातार अगर उनके पास ग्लव्स नहीं होते हैं तो दोबारा ग्लव्स दे के उनको पहना के उनको तैयार रखते हैं किसी तरह के कोरोना से हर तरह से हम मुक्त कर। हाँ सर, क्या राशि 3 तारीख की है तो किस तरह की व्यवस्था देगी यात्रियों महिलाओं को प्रेरित करा गया है? 3 तारीख को रात 12 बजे से और रात 12 बजे तक महिलाओं को फ्री यात्रा कराई जाएगी। वोल्वो और डीलक्स बस में छोड़ के सब बसों में उनको फ्री यात्रा कराई जाएगी। सोशल डिस्टेंस के हिसाब से सीट कैपेसिटी के हिसाब से यात्रा कराई जाएगी। कोई भी खड़ा यात्री महिला को नहीं भेजा जाएगा। ज़्यादा महिलाएं हो जाएंगी तो हमने एक्स्ट्रा बसों की व्यवस्था कर रखी है। एक्स्ट्रा बसें लगा कर उनको गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं सब सैनिटाइज़र कराई हुई हैं, लगातार सैनिटाइज़र कराई जा रही है। रोज़ 2 बार सैनिटाइज होती है, पूरा बस स्टैंड 3 बार सैनिटाइज होता है, 3 बार धुलता है। कोरोना के बचाव के लिए, कोरोना मुक्त करने के लिए हमने पूरी तैयारियाँ कर रखी हैं और कोरोना मुक्त यात्रा के लिए राजस्थान राज्य पथ पर निगम में यात्रा करें। अजमेर के अलवरगेट थाना पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने शहर में हो रही दोपहिया वाहनों की बढ़ती चोरी की वारदात को लेकर एक टीम का गठन किया और टीम के द्वारा वाहन चोर गिरोह के एक आरोपी विजयनगर निवासी बाबूलाल को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 दर्जन दोपहिया वाहन भी बरामद किए हैं। वहीं आरोपी से पूछताछ जारी है और भी अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। 30 तारीख को हमारे यहाँ संगा चावरी इलाके से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी दिन में, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज किया था। दिन दहाड़े मोटरसाइकिल चोरी होने पर हमने इसको गंभीरता से लिया और हमने राम नरेश कांस्टेबल और ब्रजलाल कांस्टेबल को विशेष रूप से लगाकर CCTV फुटेज और इसके अलावा तकनीकी सहयोग लेते हुए तथा उनकी आसूचना से हमने एक चोर को गिरफ्तार किया है जिसका नाम बाबूलाल उर्फ बबलू है, जो चापानेरी थाना भिनाई का रहने वाला है, जो विजयनगर के अंदर मैकेनिक का काम करता है। तो अभी तक के उससे पूछताछ से अनुसंधान से ये सामने आया कि वो इसकी आड़ में खुद चोरी की वारदातें करता था और तुरंत उसका डिस्पोजल करके और बेचने का काम करता था। इसके अलावा और भी इसने काफ़ी मोटरसाइकिलें चोरी की ली है और डिसमेंटल करके बेची है। इससे कितनी गाड़ियाँ बरामद हुई है? अभी तो एक हमारे जो थाना क्षेत्र से जो चोरी हुई थी वो गाड़ी बरामद की है। इसके अलावा 3 गाड़ियाँ और बरामद की है, जिसमें 2 रामगंज थाना क्षेत्र से चोरी करना बताया है, 1 मसूदा थाना क्षेत्र से चोरी करना बताया है। इसके साथ अभी अनुसंधान कर रहे हैं कौन कौन शामिल हैं कौन नहीं है। आज इसको हम कोर्ट में पेश करेंगे, पुलिस रिमांड लेके अनुसंधान करेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ADA। महिला जागृति मंच अजमेर की महिलाओं ने आज पंचशील बी ब्लॉक में स्पीड ब्रेकर को लेकर किया विरोध। आए दिन होते हैं एक्सीडेंट, प्रशासन द्वारा स्पीड ब्रेकर बनाने की करी मांग। शिकायत देने के बाद भी नहीं बनाए गए स्पीड ब्रेकर, 5 सालों से कर रहे हैं मांग। वहीं पास में मंदिर भी है, मंदिर में कई लोग आते हैं, ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आज हम महिला जागृति मंच वाले पंचशील बी ब्लॉक विजय सरिता अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने खड़े हैं और हम इस यहाँ होने आए दिन होने वाले हादसों की जगह को प्रशासन को जताना चाहते हैं कि आए दिन यहाँ पे प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, हादसे होते रहते हैं, जनहानि होती रहती है और आए दिन दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। 4 रास्ते एक साथ मिल रहे हैं और एक दिन छोड़ के एक दिन कहीं ना कहीं गाड़ियाँ टकरा रही हैं, वैने पलट रही हैं, टैंकरों से हादसा हो रहा है, तो अभी प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। कितनी बार हमने प्रशासन को, ADA को,
पार्षद को चिताया है, पर आज तक हमारी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हमने कितनी बार ही आवाज़ उठा ली, आज हम इस मंच के थ्रू प्रशासन को चिताना चाहते हैं, अगर जल्दी से जल्दी कार्यवाही नहीं हुई और इन दुर्घटनाओं को रोका नहीं गया तो हम बड़े धरने पर बैठेंगे और प्रशासन के आगे हम अपना विरोध प्रकट करेंगे। क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर ढंग का होना चाहिए जिस पे मार्किंग हो ताकि दूर से ही दिखे। यहाँ चार रास्ते मिल रहे हैं और आए दिन गाड़ियों का इंसानों का आपस में टकराव होता रहता है और जिससे बड़े से बड़े हादसे होने की संभावना हो चुके हैं। यहाँ पे अब तक बीच में हुआ था हादसा पिछले साल जुलाई में, करीबन 62 साल के एक वयोवृद्ध पुरुष शारदा जी की डेथ हो चुकी है। उससे पहले एक बच्ची गुजर गई थी। इतने बड़े हादसे जनहानि होने के बाद भी प्रशासन नहीं चेता है तो किस किस चीज़ का इंतजार हो रहा है कि आगे और बड़ी जनहानि हो या कोई और बड़ा हादसा हो तब प्रशासन चेतेगा। आपका नाम होता है? मेरा नाम पूजा तोलवानी, अध्यक्ष महिला जागृति मंच। अजमेर ताराशाह रोड पर हमलेबाजी का मामला आया सामने। घायल अरबाज का जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में है इलाज जारी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश। सूफी मोहम्मद व गयासुद्दीन ने किया था अरबाज पर हमला। दिनांक 30/7/2020 रात्रि को सूचना मिली कि ताराशाह रोड पर अरबाज व्यक्ति के किसी ने हमला कर दिया, जिस पर पुलिस पहुंची। उसके बाद में अरबाज को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया और दिनांक 31 को सुबह अरबाज के पर्चे बयान लिए गए। उसने बताया कि मेरे ऊपर सफ़ी मोहम्मद और गयासुद्दीन ने हमला कर दिया चाकू से। हाँ जी, आरोपी का क्या नाम है? आरोपी का नाम सफ़ी मोहम्मद सनोफ सनीम और तारासर रोड का रहने वाला है और एक गयासुद्दीन है, उसका छोटा भाई। आरोपी एक ही? आरोपी दो है, एक नाबालिग है, दोनों भाई है। अभी कोर्ट में पेश कर दिया राजेंद्र प्रसाद ASI। अजमेर व्यापार महासंघ के नेतृत्व में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। स्टेशन रोड व्यापारी महासंघ अध्यक्ष मलिक गोयल ने बताया कि अजमेर व्यापार महासंघ के नेतृत्व में आज निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 100 जरूरतमंद लोगों की जांच निशुल्क की गई, वह चश्मे भी उपलब्ध कराए गए। आज श्री अजमेर व्यापार महासंघ के तत्वावधान में सुशील भार्गव हमारे जो आदरणीय हैं और उनके पुत्र जो मनु भार्गव हैं उनकी कार्यशाला पर निःशुल्क नेत्र परीक्षण किया जा रहा है। साथ में जितने भी गरीब और असहाय लोग हैं उनको चश्मे बनाकर भी दिए जाएंगे। श्री अजमेर व्यापार महासंघ का उद्देश्य शुरू से यही रहा है कि आम जन और व्यापारियों की समस्याओं के साथ कल्याणकारी जो कार्य हो सकते हैं जितने भी, उसमें वो अग्रणी रहते हैं। और श्री मोहनलाल शर्मा जो हमारे आजीवन अध्यक्ष हैं, श्री रमेश जी लालवानी जो महासचिव हैं और उपाध्यक्ष श्री हमारे महेंद्र बंसल, उनके मार्गदर्शन के अनुसार पिछले काफ़ी दिनों से हम कोई ना कोई सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसमें हमने काफ़ी मात्रा में मास्क भी वितरण किए, सैनिटाइजर भी वितरण किए, जैसे आपके यातायात विभाग में, सदर कोतवाली में, आगरा गेट व्यापारिक संघ में, गंज थाने में, स्टेशन रोड व्यापारिक संघ में, क्लॉक टावर थाने में, पिछले कई दिनों से हमने मास्क वितरित किए, जिनके आधार पर हम ये चाहते हैं कि लोगों में एकजुटता रहे और श्री अजमेर व्यापार महासंघ सभी व्यापारियों के साथ और आम जन के साथ हरदम हर तकलीफ में अग्रणी रहता है और उसी पहल के अंदर आज ये शिविर लगाया गया। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन रेलवे कर्मचारियों का सबसे पुराना सबसे बड़ा संगठन, जिसकी स्थापना 1 अगस्त 1920 में हुई थी, तभी से लगातार वर्ष दर वर्ष रेल कर्मचारियों एवं उनके परिवारजन के सर्वांगीण विकास एवं हितों की रक्षा करने हेतु आज 1 अगस्त 2020 को गौरवशाली 100 वर्ष पूर्ण करके शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन स्थित यूनियन के मंडल कार्यालय को रंगीन रोशनी से सजाया गया एवं 100 छायादार पेड़ कर्मचारियों को वितरित किए गए और उन्हें पर्यावरण के संकल्प के साथ एक एक पेड़ अपने संरक्षण में लगाने की शपथ ली। आज रेल कर्मचारियों के लिए, विशेष रूप से वेस्टर्न रेलवे में काम करने वाले, NWR में अजमेर मंडल और जयपुर मंडल में काम करने वाले रेल कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही गौरव का विषय है। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन, जिसकी स्थापना 1 अगस्त 1920 को हुई थी, पूरे 100 वर्ष आज पूरे करने जा रही है और इसी
अवसर पर वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन द्वारा शताब्दी समारोह आज मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के तमाम कर्मचारी उस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पूर्व में अजमेर मंडल और जयपुर मंडल वेस्टर्न रेलवे का ही एक पार्ट था। जब उत्तर पश्चिम रेलवे का अलग से निर्माण हुआ तब वेस्टर्न रेलवे से अजमेर मंडल और जयपुर मंडल निकलकर NWR में शामिल हुए और उसके बाद 30 सितंबर 2002 को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन का गठन होने का काम हुआ। तो यहाँ कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर NWRU की उत्पत्ति WRU से हुई है तो ये कोई गलत बात नहीं है, सत्य बात है। और इसीलिए आज अजमेर मंडल का, जयपुर मंडल का एक एक रेल कर्मचारी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है अपने यूनियन के 100 वर्ष को पूरा करने पर। इसी उपलक्ष में आज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन अजमेर मंडल द्वारा WRU के शताब्दी समारोह के उपलक्ष में 100 छायादार वृक्ष वितरित करने का हमने काम किया है और रेल कर्मचारियों को एक संकल्प के साथ, एक शपथ के साथ यहाँ छायादार वृक्ष दिए जा रहे हैं कि वह अपने घर पर, अपने घर के आसपास वृक्ष को लगाने का काम करेंगे और जब तक वो वृक्ष बड़ा नहीं हो जाता है उसे अच्छे तरीके से पालने का काम करेंगे। ये कार्रवाई आज NWRU द्वारा की गई है। अरुण गुप्ता, मंडल सचिव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन। आज ईद के मौके पर दरगाह में जन्नती दरवाजा अल सुबह खोला गया। यह दरवाजा साल में 4 बार खोला जाता है क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से सभी धार्मिक स्थल बंद है, इसीलिए दरगाह में आम जायरीन और आम लोगों की एंट्री पर रोक है। दरगाह की रसूमात को कुछ पासधारी खादिम ही अदा कर रहे हैं। जन्नती दरवाजे में दाखिल होने के लिए लोगों का तांता लगा रहता है लेकिन कोरोना महामारी की वजह से लोग दरगाह में नहीं जा पा रहे हैं। इसी के अलावा आज ईद की नमाज भी दरगाह और मस्जिदों में नहीं हुई, लोगों ने अपने घरों में ही नमाज अदा की। नमाज के बाद घरों में कुर्बानियों का दौर शुरू हो चुका है। वहीं दरगाह दीवान सैयद जैनुअल ओबेदीन अली खां भी दरगाह में रस्म की अदायगी में पहुंचे और दरगाह की रस्म अदायगी की। उसके बाद दरगाह दीवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए जिला पुलिस और जिला प्रशासन का शुक्रिया अदा किया और सभी को ईद की मुबारकबाद दी। आज के ईद के इस मुबारक मौके पर मैं समस्त भारतवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और उनका शुक्रिया इस सिलसिले के अंदर अदा करता हूं कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी धार्मिक रस्म, नमाजें वगैरह जिस तरह से अदा की हैं उसके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और विशेषकर अजमेर के जो प्रशासन है उसने जिस तरह से चुस्ती से काम लिया उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। ख़ास तौर से दरगाह थाना और जिला प्रशासन में पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर बहुत बहुत इसके बधाई के पात्र हैं। और मैं इस बीमारी से जो है भारतवासियों को निजात दे इसके लिए मैं दुआ करता हूँ। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonin.com सच के साथ।